प्रताप बाजार पीस गुड्स एसोसिएशन वालों प्रताप बाजार विखे एक अहम मीटिंग की गई और बाजार में लगे थां थां ते कूड़े के ढेरों लैके आ रही दिक्कतों बारे चर्चा की गई और जिला प्रशासन और नगर निगम तो मांग की गई कि जेकर लोग सरकार नू हर तरह का टैक्स पे करते हैं तो फिर शहर की साफ सफाई सही ढंग नाल क्यों नहीं हो पा रही, जिस संबंधी उन्होंने आख्या कि जेकर उन्होंने बाजार चो कूड़े के ढेर ना हटाए गए तो वह जंगी पद्धर से संघर्ष करेंगे। इस मौके प्रधान जगदीश मल्होत्रा, वरुण पाठिया, अमित पाठिया, अरुण कुमार, अमित अग्रवाल समेत बड़ी गिनती विच एसोसिएशन के मैंबर मौजूद सन। असी बहुत व्यापारी सारे दुकानदार तंग हाँ कि सब अमृतसर तो सब तो ओल्डेस्ट मार्केट है, होलसेल मार्केट है और इतने कुछ रिटेल शॉप भी है। जी असी व्यापारी आदमी असी रजिस्ट्रेशन टैक्स देने कारपोरेशन नू, असी सेंटर नू हद हो गई है इनकम टैक्स देने, अपना कारपोरेशन नू असी प्रॉपर्टी टैक्स देने, असी GST भरने हैं, तो व्यापारियों ने फैसिलिटीज की है। और दूसरा जो असी कह रहे ट्रैफिक की समस्या बहुत लंबे समय तो हो गई है, असी कह रहे वन वे ट्रैफिक कर दियो, असी नहीं कहते ट्रैफिक बंद कर दियो, वन वे ट्रैफिक कर दियो, अगर इंक्लूडिंग साड़ी अगर गुड्स भी आंदियां पे या रिक्शा वो भी वन वे तो आन ते वन वे तो जान। बहुत ही मंदभागा दिन है कि लखां करोड़ां दी टैक्स देने वाली कपड़े की मार्केटां अज इस गल तो जूझ रही ने कि उन्हां दियां गलियां बाजारां दे विचों कूड़े की लिफ्टिंग जिहड़ा एक बहुत ही छोटा मसला वै साडे बार बार प्रेस च उठाउण दे बावजूद भी हल नहीं हो रहा। साडी कारपोरेशन दा जिहड़ा बुनियादी कर्तव्य है कि सरकारां नूं बाजारां दे विचों कूड़ा उठाया जाना चाहिए, पर पिछले कुछ दिनों जिहड़ा इन्हां ने मुआहदा MSW प्राइवेट कंपनी नाल डोर टू डोर कूड़ा चुकन दा कीता वै, उहदे ते व्यापारियों ने जद इस गल तो इनकार कर दिता कि वह 300 रुपए का यह गुंडा टैक्स नहीं देंगे, तो यह कारपोरेशन की कंपनी टकराव की नीति से उतर आई है।